फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिरोही का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वो लीवर की बीमारी से पीड़ित थे, दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। योगी ने उनके अंतिम संस्कार में भी बुलंदशहर पहुंचकर भाग लिया। भाजपा विधायक लीवर की बीमारी के चलते दिल्ली के अस्पताल में लंबे समय से भर्ती थे। उनके बेटे दिग्विजय सिरोही ने बताया कि 73 वर्षीय उनके पिता लगभग 3 माह से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। 15 दिन पूर्व हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे दिल्ली के ILBS अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। भाजपा विधानमंडल के मुख्य सचेतक वीरेंद्र सिरोही तीसरी बार बुलंदशहर सीट से विधायक बने थे। वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सिरोही ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा से हाजी अलीम को 32,000 मतों से मात दिया था। इससे पहले 2012 में अलीम ने सिरोही को 5,000 मत से हराया था, जिसका उन्होंने 2017 में बदला लिया। सिरोही पूर्व सीएम कल्याण सिंह के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकाएक ही बुलंदशहर पहुंचे और विधायक वीरेंद्र सिरोही को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।